वेरी गुड मॉर्निंग, 10:30 हो रहे हैं सुबह सुबह के। खाना सब फिनिश हुआ, बतेड़ खाई, छोले माँ की दाल बना, छोले माँ की दाल नहीं, चने की दाल बनाई है और तुरई बनाई है, फुलके बनाए हैं। इतनी सारी चीज़ें बना के उसके बाद साफ सफाई करने के बाद फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ। फ्री होने के बाद मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म अपने लिए चाय। और जन्माष्टमी आने वाली है, उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। घर की सेटिंग तो मेरी ऑलमोस्ट कितने परसेंट लगा लो आप, 60% हो गई है। वैसे मैंने किसी एक ब्लॉग में बोला था कि 70-90% मेरी सेटिंग हो गई, बट ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें फिर भी कहीं ना कहीं याद आता है। मैट लाने हैं, क्योंकि ये जो बेड है ना, मतलब बेड वाइट बेड है ना, तो इसके यहाँ पे मैट अगर हम रख लेंगे, इसको बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है। मैंने वाइपर, बाल्टी, पोछा उधर रखा है। ज़रा सा मुझे मिट्टी लगती है ना, मैं साफ़ कर देती हूँ ताकि हमारा बेड गंदा ना हो। और इसके ऊपर ना बहुत मिट्टी आ जाती है, देखो इसको साफ़ किया है ना, फिर भी ये चीज़ होती है, ये चीज़। तो आज तो मैं जाऊँगी जन्माष्टमी के लिए, मुझे मंदिर लाना है। मैंने मंदिर जो है ऐसे ही छोटा सा बना के स्टोर रूम में रखा है, लेकिन मेरा मन है कि मैं मंदिर लूँ। और मंदिर लेने के लिए जन्माष्टमी से अच्छा मुहूर्त और क्या हो सकता है। मैंने पहना है अपने फेवरेट येलो टी शर्ट। ये येलो टी शर्टें मेरे पास इतनी सारी हो गई हैं कि लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि शायद मैंने 3-4 दिन से वही टी शर्ट पहनी हुई है। सुबह सुबह मैंने ब्लॉग पब्लिश किया डाइनिंग टेबल, डाइनिंग एरिया की सेटिंग वाला। उसमें सब ने मुझे बोला कि जो कप वाला स्टैंड उसको आप किचन में रखो, तो मैंने उसको उसी टाइम किचन साफ़ करके किचन में रख दिया। किचन एकदम मेरी चकाचक साफ़ है। उसके बाद मैं शावर लेती हूँ। और मुझे ना किसी ने बोला, मैंने हरा धनिया लिया, इतनी महंगी सब्ज़ी हो गई है, ये 20 रुपये का इतना हरा धनिया है कि ना पानी पानी के उसमें ऐसे डाल के इसको रखो तो ये सूखेगा नहीं। अभी मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी, सूखता है कि नहीं सूखता है, फिर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि नहीं सूखता है। तो ये आइडिया आप भी अपना सकते हैं। इतनी सी तुरई बची, क्योंकि भारत के टिफ़िन के लिए तुरई बनानी पड़ती है और भारत की सब्ज़ी बनाना बहुत आसान होता है। इतना सा तेल, हरी मिर्च, हरा धनिया, सूखा धनिया पाउडर, गार्लिक लंबी है, फिर अब इसका टैग उतार दिया वो दूसरी तो ठीक है, ब्लैक वो भी लंबी है, फिर मीडियम साइज है ना, फिर चेंज करवा ले है ना। हाँ ये बस इतना सा उनका तड़का लगता है। क्लास जाते टाइम मुझे काम करने होते हैं, ये केन भरवाना है, घड़ा खाली होने वाला है, इतना सा पानी बचा है इसमें। आलू है, रात को सब्जी फिर से मैं लेके आई थी आलू, ये तो मम्मी ने दिया है, प्याज इतने से है। तुरई आधा किलो ली और आधा किलो में देखो ये तुरई बनी है। इसमें भारत टिफिन में लेके गए और थोड़ी सी उन्होंने खाई है, तो मैंने इसी में रख दी, क्योंकि ना आके मुझे सब्जी गर्म करनी होती है तो फिर मैं इसको दूसरे वॉल में ट्रांसफ़र नहीं करती, और सब्जी फ्रिज में बिना रखे भी ख़राब नहीं होती है। बस ये किचन की जो सेटिंग है ये अभी रहती है, बाकी सारी मेरी जो सेटिंग है हो चुकी है, ये सब मैं क्लीन कर दिया। किसी ने मुझे आइडिया दिया था कि गरम गरम ना इसको नहीं वॉश करना है, तो मैं इसको ना बहुत ध्यान में रखती हूँ, बाद में 1-1.5 घंटे के बाद इसको साफ़ करती हूँ। कोलिन के साथ पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद हल्का सा कोलिन लगा के इसको साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे ये लगा दिया है, ये जो है बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए है, ये हमारा ऐसे नीचे शेल्फ साफ़ करने के लिए। एक और मुझे यहाँ पे लाना है हैंड वॉश, हैंड वॉश करने के बाद अगर हाथ साफ़ करने हो तो यहाँ पे लगाने के लिए कुछ चाहिए। और सिंक से बर्तन धुल के हम यहाँ पे रख सकते हैं। बर्तनों वाला स्टैंड मैंने यहाँ पे लगा दिया है, बर्तनों वाली टोकरी जो है वो इधर रखी हुई है, क्योंकि ना बर्तन के बाद मतलब धुल के इधर रख देती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं बर्तनों को लगाऊँ, तो शाम के टाइम पे आके मैं इससे क्लीन करके हल्का हल्का बर्तन लगा देती हूँ। फिर यहाँ 3 ये ड्रॉर है जो बर्तनों के लिए है, ये तो पूरा खाली है, अंदर है थोड़ा सा इसके सामान। छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल लेने हैं और मंदिर लेना है। ये भी किसी ने कमेंट किया कि यहाँ पे रखो इसको फ्रिज के ऊपर, तो मैंने इसको फ्रिज के ऊपर लगा दिया। चेंज करते रहेंगे, मतलब कभी यहाँ पे रख दिया तो कभी कहीं यहाँ पे रख दिया। मैं सुबह कम चाय पीती हूँ, कम 2-3 दिन से कम की है, तो सुबह कम चाय पीती हूँ।
इन दोनों भी मी ना इन दोनों डब्बों में मैंने चीनी पत्ती रखी हुई है। जा मेरी रिज रिज कमली। चाय का जो मज़ा है ना मैं आपको बता नहीं सकती, कितना मज़ा आता है क्योंकि सारा काम आपका फिनिश हो जाता है, सारी क्लीनिंग डन, कपड़े धुल दिए, उसके बाद ये जो चाय पीना इतनी सुकून भरी होती है कि मज़ा आ जाता है। और आजकल ना प्रियंका ने इस कप में चाय पीना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे को बड़ा शौक आया है, ये स्टैंड देख के इस कप से उतारती हूँ, उसको धुलती हूँ, फिर पीती हूँ। ना किसी को मेरा कमेंट आया मुझे इंस्टा पे कि दीदी मुझे ऐसी वाली छन्नी लेनी, आपने कहाँ से ली है? ये मैंने किसी मार्केट से ही ली है, शॉप से। बहुत ही सॉलिड है, छोटू सी है, प्यारी सी, स्ट्रॉन्ग सी है। इससे पहले मैं प्लास्टिक वाली यूज़ कर रही थी तो सब लोग बोल रहे थे प्लास्टिक वाला मत यूज़ करो, तो फिर मैंने इसको भी अपग्रेड कर दिया। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि वाओ स्टील के ग्लास से इसमें अपग्रेड हो गई है प्रियंका। और ये कितने का होगा भैया ये वाला? हाय इससे कम नहीं है, चाय पी लेते लेकिन गर्मी बहुत है। नहीं नहीं थक गई, 5:30 हो गए हैं, अभी मैं लंच करने जा रही हूँ। आज बहुत मज़ा आया ग्रास लगा के, और जन्माष्टमी की शॉपिंग मैंने कर ली। शॉपिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था मंदिर, मैंने बहुत अच्छा मंदिर लिया है, वो मैंने अभी रखा हुआ है। पहले मैं हाथ में धो के खाना खा लूँ, थोड़ी सी 3-4 मिनट रेस्ट कर लूँ, देन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मंदिर। और फिर मंदिर को कहाँ लगाना है भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। घर का खाना होता है, मतलब 2 रोटी, बटर, अम्ब का अचार, पीली दाल, चने की, मज़ा आ जाता है खा के। इसके आगे दुनिया की सारी चीज़ें एक साइड, घर का खाना एक साइड, इस तरह से मुझे मज़ा आता है खाना खा के। और जब मैं क्लास जाती हूँ उस टाइम मुझे लगता है कि मुझे भूख नहीं लगेगी, जब मैं क्लास में 2 लेक्चर लगते हैं तो मुझे भूख लग जाती है, मेरे गुड़ गुड़ करने लग पड़ता है पेट। कभी कभी मैं ना शुरू में ले जाती थी फल वल काट के, पर वहाँ पे कोई नहीं लेके आता, फिर ऐसे रोटी ले जाऊँ, अम्ब का अचार ले जाऊँ, वहाँ पूरी स्मेल पड़ जाएगी ना ये रोटी या अम्ब के अचार की, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं फिर आके ही खाती हूँ। अम्ब का अचार बहुत टेस्टी है, मम्मी ने बनाया है और मेरे हिसाब से बनाया है पूरी तरह से, क्योंकि मुझे सूखा सूखा अचार अच्छा लगता है बिना गुठियों के। दिखाती हूँ आपको हमारा प्यारा छोटा सा मंदिर। ये है मेरा छोटू सा मंदिर। ये इसकी ना आई थिंक ये चीज बैलेंस नहीं है, ये देखो
ये भी चेक करना पड़ेगा। ओके ये बैलेंस नहीं कर रहा, कुछ नीचे रखना पड़ेगा इसके। यहाँ पे इसको हैंग करने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। उस दिन ड्रिल वाले भैया आए थे तो मेरे माइंड में आया ही नहीं कि दो ड्रिल और बचवा लें इसको हैंग करने के लिए। अभी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मंदिर को कहाँ पे लगाया जाए। हैंग कर सकते हैं, हैंग मेरा हैंग करने का मन नहीं कर रहा। मेरा मन है कि हम नीचे ही कपड़ा बिछा के अच्छे से है ना, उसके ऊपर ये मंदिर रख के देन हम मंदिर को सजाएं। मुझे ना जन्माष्टमी की, ये तो मेरी पहली शॉपिंग है, वैसे ये मेरी पहली और सबसे बड़ी शॉपिंग है जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि मैंने जन्माष्टमी के अवसर पर, शुभ अवसर पर अपने घर पे मंदिर लिया है। जन्माष्टमी के लिए मुझे अभी और छोटा छोटा सामान लेना है। हमेशा मेरा छोटा छोटा ही सामान होता है, बट जन्माष्टमी की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन होती है ना। अगर आपको याद होगा तो पिछली बार जन्माष्टमी से मैंने ये कानपुर में ना, आप प्लीज़ मेरे पिछले जन्माष्टमी के ब्लॉग ज़रूर देखना। जन्माष्टमी में मैं ना कान्हा जी लेके आई थी अपने घर में। सो मुझे वही याद आ रहा है। अभी इस घर में भी जो चीज़ें मैं कर रही हूँ छोटी छोटी, वो सब मुझे याद आएंगी, क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं ना तो वो मोमेंट बहुत यादगार बन जाता है। सारा सामान है जो साफ करने वाला है। ये वाली दाल ही बनाई हुई थी, लेकिन जब ये दाल बनाते हैं उसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम कुछ दाने इस दाल के अगर डालते हैं तो दाल आपकी बहुत ही अच्छी बनती है और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए थोड़े से दाने इसके इसमें डालने, लाइक एक मुट्ठ के बराबर। मैंने भिगो के रख दिया, एक घंटे के लिए भिगो के रखूँगी।
6:30 बजे तक मैं उसको तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने में 5 मिनट लगते हैं। इतना सा प्याज, इतना सा टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, गार्लिक, जिंजर, जिंजर एंड में डालना है, बस दाल बन गई और बहुत स्वादिष्ट दाल बनती है। और मैं इस टाइम पे शाम को खाना खाने के बाद 5:30 6 o'clock के अराउंड मैं रूबेला वायरस की जो दवाई है वो खा रही हूँ। 3-4 दिन हो गया, आज चौथा दिन है, तो मैंने वो खानी स्टार्ट कर दी। मैंने 1 महीने की दवाई उसी टाइम ले ली थी बट मैंने खाई नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, प्रियंका दी हेल्थ सबसे पहले आती है, बाकी काम तो चलता रहेगा।